चलो अंदर आ जाओ। अरे रुको सलीन, क्या हुआ सलीन? सीढ़ी नहीं देखी मैंने। चलो एक काम करते हैं, कल ऑफिस मत आना तुम, ऊपर जाके आराम से सो जाओ। सारा दिन से बाहर थे हम लोग, तुम सोई नहीं हो, थक गई होगी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मगर बच्चे भूखे होंगे। उन सबको मैं खाना दे दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। तुम ऊपर जाओ और जाके सो जाओ, बस ख्याल से जाना, गिर मत जाना। लेकिन कुछ बात करनी थी। देखो इस हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, कल बात कर लेते हैं जब तुम फ्रेश हो जाओगी। अभी मैंने कहा ना कि तुम जाके आराम करो। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। आज की रात बहुत हसीन थी, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। अच्छा सुनो, तुम्हारे जल्दी सोने की आज एक शर्त है। जल्दी सो तो रही हो तुम आज, लेकिन कल सुबह आकर जल्दी उठाना होगा मुझे, मंजूर है? अच्छा ठीक है। जबरदस्त, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अच्छा ये ले जाओ। ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। चलें तमीर साहब, बच्चों को खाना खिलाएं। मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ आखिर? चीची, दमीर मुझसे कुछ बात करना चाहता है। उसने सख्ती से मना किया है कि बीच में बात मत काटना। क्या बात करने वाला है? आखिर मैं इस कदर परेशान क्यों हो रही हूँ? हम दोनों प्यार करते हैं तो कोई बात करनी होगी उसे, कोई खास बात होगी जरूर। सही कह रही हूँ है ना? बिना वजह इतना परेशान हो रही हूँ, आराम से सो जाती हूँ। सेलिन हद है तुमसे भी, हद हो गई। मैंने अभी तक तो दमीर को भी नहीं उठाया, हद करती हो सेलिन, चलो जल्दी करो, भागो भागो। दमीर, दमीर,
सेलीन, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। इसने तुमसे एक चीज मांगी थी, एक चीज, वो भी तुमसे नहीं हुई, सोती रही। उफ सेलीन, दमीर, 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 बस ठीक है, उतारो नीचे। जरा आराम से, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? आखिर क्या परेशानी है, बताओ ना मुझे। कसम से तुम्हें उठाने के लिए घंटा पहले अलार्म लगाया था, लेकिन मैं देर तक सोती रही और अलार्म भी देर से बजा। तुमसे सिर्फ एक काम कहा था और तुम वो भी नहीं कर पाई हो। ये अलार्म की वजह से हुआ, अगर वक्त पे बजता तो जरूर उठ जाती और तुम्हें आकर उठाती। सच में? तुम जानती हो कि क्या हुआ था? आओ चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। ये देखो, ये है पहला प्रूफ। और से देखो जरा सा, और ये है दूसरा प्रूफ। देखो तो फिर इस सब से जाहिर होता है कि तुम सारी रात मूवी देखती रही हो। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें दमीर साहब, मैं नींद से अचानक जाग गई थी। मेरा मतलब, मैं जैसे ही उठी तो सकस को देखने चली गई। किसे? सकस को। हाँ, इसके अलावा एक मूवी भी देखना शुरू की थी। नींद जो नहीं आ रही थी ना, लेकिन मूवी थोड़ी सी देखी थी, फिर बंद करके सो गई थी मैं। हाँ बैठो जरा। देखो हमें इस मसले का हल जल्द ही ढूंढना होगा। क्या? यही जो तुम्हारी इतनी बुरी आदतें हैं, तुम्हारा रात को देर से सोना और सुबह में देर से उठना, और मेरा जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना। लेकिन दमीर, तुम्हें इसके लिए मुझे वक्त देना होगा। बचपन से ही आदत रही है देर से सोना दमीर, अब इस आदत को बदलने में वक्त तो दरकार होगा ना। तो ये बात है, इसका मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम जल्दी सो जाओ? मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ जाओ बनाओ नाश्ता। वक्त चाहिए ना तुम्हें, ठीक होने के लिए वक्त चाहिए। कुछ तो करना होगा तुम्हारे सिलसिले में। जबरदस्त, पहले बॉस्फोरस में गुरूब आफ्ताब देखा और अब हम बाग में नाश्ता कर रहे हैं। खैरियत तो है ना सलीम, कहीं तुम घर से बोर तो नहीं हो गई हो? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। इस घर में तुम मेरे साथ हो तो बोर कैसे हो सकती हूँ मैं? देखो कल रात तुमने कहा था कि हम वहीं रुक जाते हैं, तो मैंने सोचा कि नाश्ता हम यहाँ कर लेते हैं। हाँ मैं बाहर रहना चाहता था, सोचा था कि हम वहाँ थोड़ी बात कर लेंगे और फिर हमें वापस लौटना था, लेकिन मगर सब बर्बाद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और घर पर आके भी नहीं सो सकी। माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन देखो अभी भी हम लोग बाहर हैं, तो करते हैं बात। सेलीन अभी तो हमें ऑफिस जाना है ना। ठीक है, जाहिर सी बात है लेक्चर देना होगा, वो भी बहुत लंबा। देखो मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है चलो बताओ मुझे असल मसला है क्या। इंसान कम से कम कोई हिंट तो दे सकता है, मतलब कोई इशारा ही दे दो। सेलीन सब ठीक है? दमी मुंह में है, जल गया, बहुत स्पाइसी, कुछ पिलाओ मुझे। ओह सेलीन क्या करती हो तुम, ये बहुत मिर्च है। देखो पता होना चाहिए ना कि कौन सी मिर्च इस्तेमाल कर रही हो तुम, जानती हो ये कितनी तेज होती है। मुझे पता भी नहीं चला और बना दिया मैंने। दमीर मेरा मुंह जल गया है, बहुत जलन हो रही है, बहुत मिर्चें थी इसमें। दिखाओ जरा, देखने दो मुझे, ये होंठ तो काफी लाल हो गए तुम्हारे, ये तो वाकई जल गए। कुछ करता हूँ मैं, एक सेकेंड। ओह ये तो सच में बहुत ज्यादा ही तेज मिर्च है। मैंने कहा था तुमसे। अच्छा बस ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है।
देखो आज कोई प्रोग्राम मत रखना, और आज रात को कोई मेहमान भी ना आए, सिर्फ हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। जमीर, हाँ, क्या जो बात करनी है उसका ताल्लुक मैंने जो बोट रेंट पे ली थी उससे मुतालिक है। मेरा मतलब है, हमने साथ में बैठकर सनसेट देखा, खाना खाया, फूल खरीदे, मूवी देखी, क्या इन सब से मुतालिक कोई बात है? देखो अपने जहन पे इतना जोर मत दो सिली, बहुत सी बात है, मुझे कोई एक बात नहीं करनी तुमसे। ठीक है, चलते हैं, पेट भर गया है मेरा, चलते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले अपना ये सैंडविच खत्म करो। तुम ब्रेड भी तो स्पाइसी होगी ना दमी। देखो मैंने इसमें से मिर्ची निकाल दी। नहीं, नहीं, नहीं। अब ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं। नहीं, नहीं चलेगा तुम्हारा। नहीं दमी, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं खाना।